बहुत दिन से सुन रहा था किसान सुसाइड कर रहे हैं। तो मैं 4 साल पहले से सोचा वो सब्जेक्ट में कुछ करना है, क्योंकि मैं एज ए आर्टिस्ट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है जो सोसाइटी से कुछ जो कुछ गड़बड़ हो रहा है वो चीज़ को थोड़ा सबका सामने उठा के रखना। तो मैं सोचा एज ए स्कल्प्टर मेरा अपना कला का थ्रू जो प्रॉब्लम्स है तो एक एक स्कल्पचर का थ्रू वो प्रॉब्लम्स को सबका सामने रखने के लिए मैं कोशिश किया। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था, कहा था, जय जवान जय किसान। लेकिन वो नारा जो लगाया था अभी किसान के लिए उसका हिसाब से ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी भी किसान का जो जो प्रॉब्लम है वो अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ पे सबको ध्यान देना चाहिए। जो वो लोगों का जो फसल का भाव नहीं मिलता है ठीक से, और वो लोग ठीक से अपना रुजी रोजगार का ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, तो डे बाय डे वो लोगों का हाल खराब ही होते जा रहे हैं। तो उसका ऊपर सब मिल के ध्यान देना चाहिए से शुरू किया। अच्छा, हाँ, तब से मैं ड्राइंग करना शुरू किया, फिर थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट का ऊपर कुछ कुछ छोटा छोटा काम करना शुरू किया। फिर सोचा इसका ऊपर फुल एयर एग्जीबिशन करना है जो सिर्फ फार्मर का ऊपर ही डेडिकेटेड किया हुआ है, उनको ऊपर ही समर्पित किया हुआ है। ऐसा ही काम मैं धीरे धीरे कंप्लीट किया, अभी मोस्टली एग्जीबिट करने जा रहा हूँ। 7 to 18 स्कल्पचर मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ जहांगीरा गैलरी में। भी मैं ब्रांच मीडिया में काम करता हूँ, परमानेंट मीडिया में। तो उसमें मेटल में ब्रास है, कॉपर है और ब्रांच है, तो मोस्टली मिक्सअप है। तो एक एक काम मोस्टली 2-3 महीना लग जाते हैं। अच्छा, हाँ, टोटल प्रोसेसिंग में टोटल प्रोग्राम जो है करीब 4 साल से मेरा शुरू है। हाँ, तो अभी फुल इन्वॉल्व है लेकिन प्रोसेसिंग पूरा 4 साल लगा। हम लोग फार्मर्स फार्मर्स बोलने से जो हम लोग का आंखों का सामने जो पिक्चर आता है वो मोस्टली मैन का आता है। तो वो चीज़ मैं देखा जो 6 मंथ जो फसल बुआ से लेके फसल तक, बीज बुआ से लेके फसल तक जो एक जर्नी होता है वो कैसा पेनफुल होता है एक किसान के पास। हाँ, वो मैं ये प्रेग्नेंट मैन का थ्रू मैं दिखाया, क्योंकि एक लेडी जब 9 मंथ से प्रेग्नेंट रहता है वो बच्चा आने से फिर बच्चा बाहर आने तक जो टाइम जो पेन रहता है वो चीज़ मैं इसका थ्रू दिखाने के लिए कोशिश किया। हाँ, ट्रैक्टर बनाया। एक्चुअली मैं थोड़ा सर्वे किया तो इधर उधर गांव में गया तो पता चला ट्रैक्टर जब खरीदता है एक किसान तो उसका पहले उसको कुछ पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, कम से कम 50% पैसा वो लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है कैश, फिर बैंक से लोन मिलता है। लेकिन वो पैसा इकट्ठा करने के लिए मोस्टली वो लोग अपना ज्वेलरी बेचता है, गाय भैंस बकरी मुर्गा बर्तन जो डे टू डे आसपास रहता है ना मोस्टली वो सब सेल करके फिर कुछ पैसा फसल, हाँ, वो सब पैसा इकट्ठा करके फिर ट्रैक्टर खरीदता है। जो सेक्रीफाइस करता है वो सब दे के ही वो ट्रैक्टर बना वो मैं। एक सवाल अभी, सबसे पहले तो किसान का रिस्पेक्ट डे बाय डे कम हो रहा है, तो वो चीज़ सब मिलके सोचना चाहिए कि कैसे वो लोग का रिस्पेक्ट बढ़े। तो हम लोग सब मिलके सोचेंगे वो लोग का रिस्पेक्ट क्यों कम हो रहा है, क्यों वैल्यू नहीं मिल रहा है,
वो लोग जो फसल उगाता है उसका वैल्यू नहीं मिलता है। क्लाइमेट का जो अप डाउन की वजह से वो लोगों का जो प्रॉब्लम्स होता है, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई संस्था मिल के आना चाहिए जो वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए लोन ले रहा है, लेकिन जो नेचुरल डिजास्टर के बारे में जो होता है कुछ कुछ बहुत सी सारी चीज़ प्रॉब्लम वो लोग का पास आता है, तो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। तो वो एक्शन लेते लेते तब तक किसान का हाल ख़राब ही हो जाता है, वो मजबूर हो जाता है ऐसा सिचुएशन में आने के लिए जो सुसाइड करे। उस कल्चर के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जैसा ये एक कल्चर है जो टिफिन बॉक्स, तो हम लोग जब भूख लगता है दोपहर में कोई टिफिन बॉक्स लेके आता है तो हम लोग उसको थैंक्स देते हैं, और जानता है कोई बनाया तो खाना अच्छा लगा तो मौसी को थैंक्स बोलना। लेकिन कभी भी किसान को याद नहीं करता, लेकिन उसमें हर चीज़ किसान का बोआ हुआ ही रहता है। तो वो सब्जेक्ट में मेरा ये काम है टिफिन बॉक्स, और ये जो है ये एक लॉक है, लॉक से उगा हुआ एक प्लांट है जिसमें कुछ हेड्स मैं दिखाया है। तो इसमें ऐसा है जो लॉक मीन्स एक जगह पे आके रुक जाता है, लेकिन अभी ऐसा टाइम है जो उसमें भी जैसा पत्थर हटा के जो ज़मीन में कभी फसल उगता नहीं है वो जमीन